perfection, you are so much. I'm super super happy to be here. मुझे यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. आप लोगों का जोश देख लेते हैं. एक बारी मैं अंदर थी तब मेरे को आवाज़ आ रही थी, हाई जोश हाई जोश. अब देखते हैं कितना. How is the Josh everyone? अलग अलग
हमें सिखाई गई। पर फिर कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों का क्रिटिसिज्म आके आना ही आना है। तो क्रिटिसिज्म कितने लोग यहाँ पे नेगेटिव मानते हैं कि क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव होता है, कोई आपको बोला ओए तू ये काम नहीं कर सकता, ओए तेरे को ये काम अच्छे से नहीं करना आता, तो आपको से कितने सारे लोगों को लगता है कि आपको पुल बैक करती है ये चीज, कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो ये आपको पुल बैक करती है कि आगे आपको कुछ काम नहीं करना है। रेज योर हैंड्स। अरे इतना नीचे क्यों, आप लोग ऊपर कर सकते हैं, देयर इज नो वरीज। ओके, काफी कम लोगों को लगता है, दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। दो दिन का कमाल दिख रहा है यहाँ पे, एंड दो दिन का कमाल दिख रहा है, सो गिव अ शाउट आउट टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कैन यू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। I'm super super thankful to Dr. Vivek Bindra. He has invited me to so many things and I'm super grateful for this opportunity as well. Criticism की बात करते हैं, अब आप जब एक गांव की लड़की होती हैं हरियाणा में तो हर जगह criticism होता ही है। आप कहीं से भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, definitely people are gonna pull you back. पापा एक बात कहते हैं और मैंने भी ये बात काफी सारे बुक्स में पढ़ी है कि जब लोग आपके बारे में, जब आपके काम के बारे में, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब कुछ नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं तो सोचिए आप राइट बात करें। तो मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया था तू एक बड़ी अंग्रेज पा के लिए आ रहा है, और उस टाइम तो एक्सेंट नहीं आता था मेरे को, सिर्फ हिंदी का, सिर्फ इंग्लिश बोलती थी मैं, तो स्टेज पे इंग्लिश बोलती थी। अब नॉर्मल टाउन के स्कूल में पढ़ती थी तो काफी सारे बच्चे लगते थे या तो अंग्रेजन है अंग्रेजन है, राइट, बड़ा नाइस, उस टाइम बुरा लगता था। अब अंग्रेज सुनने में होता है कि हाँ मेरी इंग्लिश उस टाइप की है, बट पीपल आर यू नो कंसीडरिंग मी एज एन अंग्रेज, अदरवाइज आई एम अ प्राउड इंडियन, बट यू नो पीपल कंसीडर स्टफ। तो उस टाइम क्रिटिसिज्म क्या होता था, पापा जो है मुझे डेली की डेली एक ट्यूशन पे लेकर जाते थे। सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता। जब मैं बोर्न हुई थी इन 2003, उसके बाद व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, जब मैं 8th क्लास में थी तब मैं 9 साल की थी, मैंने एक साल में दो क्लासेस करी हैं, तो इस चीज का भी क्रिटिसिज्म बहुत मिला। पापा का भी ये होता था ना कि इतने 15 ही तो चैप्टर होते हैं हर किसी की बुक में, अगर मैक्सिमम चैप्टर देखे तो मैक्सिमम 20 चैप्टर्स होते होंगे, 20 चैप्टर्स के लिए व्हाई डू वी हैव टू स्टडी फॉर द होल ईयर, एक चैप्टर पे 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, बट व्हाई द होल ईयर, इट्स सो मच। तो शुरू में मेरे को यही काम करवाया गया, मम्मी थी पापा थे थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, तो इंग्लिश बिल्डअप होनी शुरू हुई, तो अपने आप जब एकेडमिक कोई बुक्स पढ़ते तो समझ में आने लग गई, तो वो जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। आप चार्ट बनाते थे हम लोग कि 20 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में, 15 चैप्टर इस सब्जेक्ट के, 12 चैप्टर इस सब्जेक्ट के। अब स्कूल में जो चल रहा है चल रहा है, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, अपनी तरफ से क्या सेल्फ स्टडी करी, ये चैप्टर हो गया टिकट, ये चैप्टर हो गया मार्केट, तो इस तरीके से मैंने जल्दी क्लासेस करी, फिर स्कूल वालों के साथ बात करी कि अब समझ में तो आ रहा है, अब मैं क्लास में बैठ के व्हाई विल आई वेस्ट माय टाइम ओवर हियर, जस्ट प्रमोट मी टू द नेक्स्ट क्लास। तो उस चीज पे भी हुआ, तो टीचर्स पापा को कहते थे कितना जोर डालोगे, छोटी सी बच्ची है कितना प्रेशर डालोगे, अरे व्हेन द किड इज डूइंग इट देयर इज नो प्रॉब्लम। जो ये चीजें होती है ना, स्ट्रेस प्रेशर, ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं जो हम खुद को देते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए वर्ड्स होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रेस, देयर इज नथिंग लाइक प्रेशर, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, एंड देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये सब चीजें, ये सिर्फ हम डेफिनेशंस देते हैं, हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। क्यों जब बच्चा 12th में होता है अरे इतना सारा प्रेशर है, अरे इतनी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और क्यों जब बच्चा 6th में होता है उसके पास कम से कम 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं 8 पढ़ रहा है, कहीं जनरल नॉलेज SST साइंस, 12th में आते आते वो सब्जेक्ट 5 बन जाते हैं, और उस टाइम तक आते आते और ज्यादा प्रेशर। योर माइंड इज ऑल्सो ग्रोइंग नो, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग नो, बट उस टाइम लोगों के ओपिनियंस आपको अफेक्ट करते हैं। आज जब आप यहाँ पर हो, the seat where you're sitting right now, aapke logo ko opinions aapko affect kare hain, that you need some motivation, and it's a nice thing that you need it, it's a nice thing, but aapko us cheezon ka kabhi affect nahi aane dena. Hum jab tak 12th class tak aate hain hamara mindset ye ho jata hai ki 12th class bahut difficult class hai, it's not. Kisne kaha 12th class difficult class hai? Aapne, aapke teacher ne, aapke doston ne. Why are you listening to them? Are you listening to yourself? These are somebody else's opinion. कोई आपको कह रहा है तू ये business नहीं कर सकता, this is very difficult to do, it's a huge job. Has that person done that business? Has that person tried to do that business? That is their experience. And of course, you should listen to people's experience. But you are not gonna make someone else's opinion your opinion. किसी और के opinion को अपना opinion ना बनने दे, otherwise you're gonna become a negative person. Positive को लेने दे effect. So the thing is, कि शुरू से लेके आज तक हमें बताया जाता है ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी यही कहा जाता था, इतनी सारी क्लासेस करेगी तो बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं छोटी हूँ बड़ी क्लास में हूँ, क्योंकि कभी किसी ने फील नहीं होने दिया। सो आई डिड टू क्लासेस इन वन ईयर,
After doing two classes in one year, अब बात आई कि English में interest बन चुका था, English बोलनी है, पर अब English कोई पढ़ाने वाला नहीं था, अब institute नहीं मिलते, अब institutes पे जाते थे हम, मैं पापा हर weekend कभी किसी institute पे जा रहे हैं, कभी British Council वालों के दिमाग जाके दिमाग खा रहे हैं, you know, we've been to a lot of places, we've been to a lot of institutes, and when we used to go over there, उनका सिर्फ यही होता था, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या पढ़ाएंगे हम? Take her out of here. So they basically used to kick us out. फिर हम अगले weekend फिर पहुंच जाते थे कि अब थोड़े बड़े हो चुके हैं आप पढ़ा दीजिए. नहीं पढ़ाते थे. You came back here again. Go back. So the thing is कि we were kicked out, from a lot of institutions, from a lot of centers. तो अब सीखना तो फिर भी है. तो अब क्या करें? फिर हम जाते थे Red Fort, India Gate, and all of these monuments हर weekend पे. तो वहाँ पे अब foreigners होते थे. कोई अमेरिका का हो रहा है, कोई ब्रिटेन का है, यू नो somebody's कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, somebody's फ्रॉम कनाडा. वहाँ पे जो वो फॉरनर्स होते थे ना, पापा कहते थे जा बात करो उनके साथ. आई वाज लाइक कैन आई प्लीज हैव अ मिनट ऑफ योर्स. आई वाज अ किड बैक देन, सो कैन आई प्लीज हैव अ मिनट ऑफ योर्स. तो वो बैठते थे, वो बात करते थे, उनके साथ बातचीत करती थी मैं फॉर लाइक हाफ एन आवर, किसी के साथ एक घंटा. तो वहाँ से फिर उनके साथ बात कर करके आई डेवलप माई इंग्लिश. फिर मैंने न्यूज़ देखनी शुरू करी. यस, अब काफी सारे लोगों को ये लगता है लाइक दिस इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, यू नो. फिर हमें एक टीचर मिली फाइनली. तो पहले तो उन टीचर ने बोला, हर नेम इज रेखा राज महाजन, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर. पहले तो उन्होंने बोला नो, शी इज वेरी लिटिल, आई टीच IELTS स्टूडेंट्स, आई टीच मास्टर स्टूडेंट, एंड शी इज जस्ट ऑफ 8 इयर्स ऑफ एज, व्हाट एम आई गोना टीच हर. सो माय पापा वाज लाइक, आप सिर्फ इसको बिठा लो क्लास में, उतना काफी, आप सिर्फ इसको बिठा लो. So I sat over there for like 2 months. बच्चे IELTS के क्लासेस लेते थे, मैं भी बैठी हुई सुनती थी. मैं उनसे बुलवाती थी कि आप अलग अलग टॉपिक्स पे बोलो, मैं भी बोलती थी थोड़ा बहुत. Then after 2 months what happened was my ma'am was sick one day, and so ma'am said is that you people work by yourself. So students were like, okay, ma'am is sick, तो हम अपने आप से काम करते हैं. और मुझे लगा कि मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी प्रैक्टिस है, let's take it out somewhere. तो लगा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. सो आई बिकेम द टीचर दैट डे, एंड सिंस दैट डे व्हेनेवर मैम वाज आउट, व्हेनेवर मैम वाज सिक, आई वाज द टीचर ऑफ IELTS स्टूडेंट्स, एंड आई वाज 9 इयर्स ऑफ एज. आई वाज द स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स स्टूडेंट, ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स. तो हम डेली ट्रैवल करते थे 20 किलोमीटर्स गोइंग टू पानीपत, बिकॉज आई एम फ्रॉम स्मालखा विच इज अ टाउन इन हरियाणा, एंड 20 किलोमीटर्स बैक फ्रॉम पानीपत. चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, हम तब भी जाते थे बाइक पे, मैं और पापा चिल्लाते हुए जा रहे होते थे लाइक yeah, let's go, do all of this stuff. तब लोगों को, काफी सारे लोगों को क्या लगता है, अरे स्ट्रगल है, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल. स्ट्रगल थोड़ी है, लाइफ की जर्नी है. ये सारी चीजें आना तो ये तो लाजमी सी बात है ना. आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसमें जरा से डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े तो मजा थोड़ी आता है जरा सा भी. सो द थिंग इज कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल. ये सिर्फ हम नाम दे देते हैं चीजों को. तो आप नाम देना बंद कीजिए, एंड स्टार्ट ट्रीटिंग दिस लाइक योर, एज योर लाइफ जर्नी, कि ये मेरी लाइफ है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस लाइफ, सो दैट्स इट. यू नो प्रॉब्लम्स आर गोना कम, यस. और काफी सारे लोगों को ये भी लगता है लाइक यू आर अ स्मॉल किड, यू डोंट नो द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग. ओके फाइन, I've read a lot of books, still you haven't had the real experiences of life. I live in a huge family, I see the problems going on in the whole world. I've done my graduation, I'm doing my master's, so I've also had a lot of experiences which an 18-year-old doesn't have. So it's all about ki aap us cheez ko treat kaise kar rahe hain. Ek baat hoti hai, ek example dete hain, kahani sunati hun thodi si. For example, aapne apna ghar shift kiya. Ghar shift kiya, to aapne jis jagah par apna ghar shift kiya, वहां पर आपको पता लगा कि यहाँ पर जो है चोर आते हैं और वो काफी कार्स उठा के लेकर जाते हैं, आपके व्हीकल्स उठा के लेकर जाते हैं. लाइक ओके, कार्स उठा के लेकर. अब आप अपनी पूरी कोशिश करोगे कि मैं कहीं ऐसी जगह पार्क करूं कि चोर जो हैं मेरी गाड़ी या फिर मेरा व्हीकल उठाकर ना लेकर जाए. आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी साइड से, येस और नो? येस. ओके, आप पूरी कोशिश करेंगे. अब आप सो जाते हैं, अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी, यार मैंने तो अच्छी तरीके से रखा है, मेरी कार वहीं मिलेगी, मेरी कार वहीं मिलेगी. अब आप सुबह सुबह खड़े हो और अब आपकी कार वहां पे है नहीं. सो आपका माइंड जो है, योर माइंड इज गोना बी ऑन नेगेटिव, ये क्या हो गया सुबह सुबह, व्हाट दिस हैपेंड, व्हाई इज दिस हैपेंड. सो द थिंग इज, व्हाई डिड यू एक्सपेक्ट द बेस्ट टू हैपन फ्रॉम समवन एल्स? व्हाई आर यू गिविंग योर ओन लाइफ रेन इनटू समवन एल्सेस हैंड्स?
आपका जो मूड है वो किसी और ने अफेक्ट कर दिया, तो बेसिकली बात तो यही है ना, आप अपनी माइंड की रेंज किसी और के हाथ में दे रहे हैं कि ले भाई अगर तूने ये काम किया तो मेरा मूड खराब होगा तेरी वजह से, अगर मेरी तेरे साथ लड़ाई हुई तो मेरा मूड खराब होगा तेरी वजह से, अगर तू मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है तो मेरा मूड खराब होगा तेरी वजह से क्योंकि तूने मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। व्हाई आर यू लेटिंग समवन एल्स कंट्रोल योर लाइफ व्हेन यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ? वी चेंज आवरसेल्फ्स फॉर डिफरेंट पीपल। हम अपने आप को दूसरों की वजह से चेंज करते हैं, यस और नो? जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में, नाउ मी अ स्मॉल टाउन गर्ल गोइंग टू DU एंड यू नो एवरीवन वाज लाइक सो एल्डर, हर कोई एवरीवन प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, तो वहां पर जाकर जो है काफी सारे लड़के लड़कियां, ओए इस वाले शोरूम पे चले शॉपिंग चलते हैं, मैन हैव यू सीन हर शी इज वॉर्न अ गुची टुडे। तो वहां पर क्या होता है, हमारी जो आजकल की यूथ नहीं जो बड़े भी हैं, है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, हमें दूसरों के ओपिनियंस चाहिए। हाँ भाई तू अच्छा लग रहा है, तू बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स नाइस जब आपको कोई और अप्रिशिएट करे, इट्स एक्सट्रीमली नाइस, तो आपको अच्छा लगता है। पर अगर कोई आपको डिग्रेड कर दे जरा सा तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। सो बेसिकली तो कोई और कंट्रोल कर रहा है आपको। हम खुद को देख के ये क्यों नहीं कहते इन द मिरर, ये आई लुक अमेजिंग टुडे एंड डोंट केयर अबाउट अदर पीपल। सो स्टॉप चेंजिंग योरसेल्फ, स्टॉप चेंजिंग योर ओपिनियंस। अगर ओपिनियंस अच्छे हैं देन यू कैन चेंज दोस विद अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अदरवाइज स्टॉप चेंजिंग योरसेल्फ फॉर डिफरेंट पीपल एंड फ्रॉम अदर पीपल्स अप्रिसिएशन, बिकॉज यू योरसेल्फ आर इनफ, दैट्स इट। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर कि आप किसी के ओपिनियंस आपके ऊपर इफेक्ट ना होने दें। अब मैं अपनी वाली कहानी कंटिन्यू करती हूँ, मैंने एक्सेंट कैसे सीखे। तो अब क्रिटिसिज्म तो था हर जगह, तो अब एक्सेंट सीखना है, इंग्लिश तो आ गई, तो अब लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू किया इंग्लिश ही तो है, तो बड़े शहर में जाएगी हर कोई इंग्लिश बोलता है, व्हाट स्पेशल इन यू? तो व्हाट स्पेशल इन मी, अब नहीं पता व्हाट स्पेशल इन मी। अब मैं छोटी थी तो फॉरनर्स के साथ जब बात करती थी और BBC CNN न्यूज मैंने देखनी शुरू करी थी, तो पापा से पूछती थी कि ये लोग जो है ये इतना अलग तरीके से क्यों बोलते हैं, ये अपना टी को कहीं पे भी खा जाते हैं, ये अपना आर कहीं पे भी खा जाते हैं, दे रोल देयर टंग्स, व्हाई डू दे टॉक लाइक दैट? So, Papa was like, you know, this is their dialect, just like हमारा dialect हरियाणवी है, वो उनका dialect है। मैं ब्रिटेन में इतने सारे accents क्यों हैं, you know, कहीं पे वो received pronunciation बोल रहे हैं, कहीं पे posh बोल रहे हैं, why is it? Papa said it is their dialect, मैं ये dialect सीखना है, why? No, it seems interesting, you know, तो मेरा था ये interest, पर पापा का था ये passion, क्योंकि पापा को इस चीज की दिक्कत आई थी, like he doesn't have a nice pronunciation, he doesn't have a nice fluency in English, so Papa was like, okay, learn it, पर अब सीखे कहाँ से? फिर से इंस्टीट्यूट्स पे जाना शुरू किया, कभी ब्रिटिश काउंसिल जा रहे हैं कि आपके पे ब्रिटिश लिखा हुआ है, ब्रिटिश सिखा दीजिए, कहीं पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स, अब काफी सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं वो अपने इंस्टीट्यूट के बाहर लगाते हैं ऑस्ट्रेलियन कोचिंग, कैनेडियन कोचिंग, तो वहां पे ऐसा लगता था हमें जब हम छोटे थे कि यहाँ पे कैनेडियन एक्सेंट सिखाते होंगे या फिर ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सिखाते होंगे, तो एंट्री करते थे वो लोग बोलते थे ना ना वी जस्ट टीच इंग्लिश मैन, दिस इज तो ऐसे ही बोर्ड लगा दिया, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस? सो वी हैव बीन टू अ लॉट ऑफ सेंटर्स, फिर से किसी ने नहीं सिखाया, सो व्हाट टू डू नाउ? देन व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग BBC एंड CNN न्यूज, तो मैंने यूट्यूब की भी थोड़ी थोड़ी हेल्प ली, यूट्यूब की हेल्प लेने के बाद मैंने चीजों को मिमिक करना शुरू किया, मिमिक करना शुरू किया, तो अब मिमिक करने के बाद अब इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं कहीं पे भी बोलना शुरू कर देती थी ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट, तो उस टाइम फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर वही क्रिटिसिज्म, मिमिक ही तो कर रही है, मिमिक तो कोई भी कर दे, मास्टरी कौन लेकर आएगा इस फील्ड में, मास्टरी भी तो चाहिए, तो अब मास्टरी भी चाहिए, यू नो यू हैव टू बी ओवर देयर, यू हैव टू गेन दैट मास्टर फील्ड, यू हैव टू, यू नो पीपल शुड टेल यू लाइक यस यू आर द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, सो हाउ टू डू दैट? अब क्या करें? तो अब पापा ने, नाउ पापा हैज डन लाइक डबल MPhil, सो पापा सेड देयर इज समथिंग लाइक फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स सीखते हैं, बुक लेकर आए, अलग अलग ऑनलाइन कोचिंग्स देखी कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से सीख सकते हैं, इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, इस वर्ड की इंटोनेशन क्या होती है, डिप्थोंग क्या होते हैं, स्ट्रेस क्या होते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करी। सो डेली रात को आई यूज टू टॉक फॉर लाइक 2 hours, और जब भी इंग्लिश बोलती थी आई यूज टू टॉक इन एक्सेंट की प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे बैठे काफी सारे लोग, especially those people जिन्हें English सीखनी है, हमें ऐसा लगता है कि हम दिन में आधा घंटा अगर प्रैक्टिस करेंगे वो काफी है, वो काफी नहीं है। आपको हिंदी कैसे आती है या फिर आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे आती है? वो आपको अपनी इसलिए आती है क्योंकि आप उस चीज से हमेशा हमेशा के लिए सराउंडेड हो, हर कोई आपके एनवायरमेंट में वही लैंग्वेज बोलता आ रहा है इसलिए वो आपको आती है। पर अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस करने से डेली इंग्लिश बोल जाएंगे, इट्स नॉट गोना हैपन, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अब काफी सारे लोग मेरे को ये भी बोलते हैं हमारे पास तो एनवायरमेंट ही नहीं है,
अरे वो आपका आउटर एनवायरनमेंट है, आपका इनर एनवायरनमेंट कैसा है। आप जो फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हैं वो आप हिंदी में देख रहे हैं या इंग्लिश में देख रहे हैं। आप जो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं वो हिंदी में देख रहे हैं या इंग्लिश में देख रहे हैं। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, आर यू यू नो रीडिंग दोज बुक्स इन हिंदी और इंग्लिश? सो दैट मैटर्स। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। सो आई जस्ट वांट टू से इज दैट वन थिंग मोर कि हर जगह आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। एंड देर इज सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसको लीजिए। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं ना, उस चीज से अपने मूड पर इफेक्ट ना आने दीजिए। उनकी बातों को सुने कि वाई हैव दे स्पोकन समथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, सो मे बी आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। वहां से फिर मैंने एक्सेंट सीखा। एक्सेंट सीखने के बाद देन आई हैव बीन टू प्लेसेज, आई हैव बीन टू बीबीसी न्यूज एज वेल, आई वॉज द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बी ऑन बीबीसी, एंड देन आई हैव बीन टू जोश टॉक्स, I've been to TEDx talks, been to a lot of places. So it's a whole different experience, whole nice experience. And then my journey to become a motivational speaker, this is also a very, very little story, is that when I was 12 years of age, मैं 12th class में थी। तो जब मैं 12th class में थी, मुझे एक जगह पर invite किया गया। मुझे लगा normal program होगा, जैसे होते हैं बच्चों को motivate करना होगा या something. So I went over there to that program. It was in Gurugram, Haryana Institute of Public Administration. So when we went over there and me and my dad, the first thing we saw ki har jagah police wale khade hue hain. We were like, wow, big program, yeah. And I remember asking my dad, aapko pakka pata hai na hum sahi jagah par hain ya nahi hai? Papa was like, sahi jagah to hai ye, address to yahi hai. We went inside, wahan pe mera naam likha hua tha, Janvi Pawar, motivational speaker. I went over there, sat in my seat. Maine piche dekha, piche likha hua tha Anand Kumar Super 30 motivational speaker. Main hai, मैं पापा की साइड देख रहा हूँ, इज ही गोना बी हियर एंड वी आर इन द सेम कैटेगरी। पापा लाइक या ही इज गोना बी हियर। नाउ देयर वर लाइक 150 टू 200 पीपल सिटिंग। आगे मैंने पोडियम पे देखा तो पोडियम पे लिखा हुआ था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर। नाउ बिग थिंग्स। तो अभी तक एवरीथिंग वॉज फाइन। अ मीडिया पर्सन केम एंड ही टॉक टू मी एंड वॉज लाइक, How are you, Janvi? I was like, I'm good. Are you feeling confident? Yeah. So, how are you feeling about addressing 150 IAS officers? But what do you say? Come again. What do you say? Papa bole 150 IAS officers. These people sitting around here. Mahen. So, this is gonna be something, you know, huge. तो उस time जो है confidence matters कि अब उस time मेरे पास दो choice थी। मैं बोल सकती थी मुझे नहीं बोलना stage पे first thing, क्योंकि मैं you know I'm just 12 years and I don't think I'm capable enough to address these people, you know, these are the backbone of our country. And another thing was is that they have called you over here for a reason. So believe in yourself. Maybe you're gonna do something. तो अब मुझे लगा कि काफी सारे speakers बोलेंगे, उनकी जो भी स्पीच होगी उसे मिक्स करके मैं भी थोड़ा बहुत बोल दूंगी। और जो एंकर थी, शी सेड लेट्स एंड लेट्स प्लीज हैव द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया मिस जानवी पवार, एंड शी स्पोक माय फर्स्ट नेम। बाबा आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शी जस्ट सेड माय नेम एंड आई एम द फर्स्ट स्पीकर ओवर हियर। बाबा वाज लाइक, जस्ट रिमेंबर आईएएस एट द बैकबोन ऑफ योर कंट्री, योर एक्सपीरियंस। सो एट दैट टाइम आई हैव मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट आईएएस ऑफिसर्स, सो योर एक्सपीरियंस विद देम गो ऑन। आई वेंट ओवर देयर, तो जो पोडियम था ना वो थोड़ा बड़ा था, मैं छोटी थी। सो मैं चीफ मिनिस्टर के साइड में खड़ी होकर आई स्पोक फॉर 20 मिनट्स एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन एट लास्ट। सो दैट मैटर्स, एट दैट पॉइंट इट वॉज द कॉन्फिडेंस। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ पीपल, यू ऑल आर अमेजिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, येस इट हैपन्स बिकॉज इट हैज हैपन्ड विद मी। आप जो एज्यूम कर लेते हैं ना अपने दिमाग में कि मैंने ये कर दिया, मतलब आपने वो कर दिया, नथिंग एल्स कैन चेंज इन दैट। इफ यू थिंक यू कैन डू बिजनेस, येस यू कैन डू बिजनेस। इफ यू थिंक यू नो यू कैन बिकम द नेक्स्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, येस यू कैन, इवन बेटर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिकॉज ही इज अ मास्टर इन हिज फील्ड। यू आर गोना बिकम द मास्टर ऑफ योर फील्ड। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकम अ मास्टर ऑफ योर फील्ड। ऑलवेज एम फॉर द मास्टरी। काफी सारे लोगों को लगता है इसको इसके फील्ड में पॉपुलैरिटी बहुत मिल रही है, फेम बहुत मिल रहा है, तो चलो हम भी ऐसे ही करते हैं। ना ना, आप अपना फील्ड लीजिए, हम आपको किसी और को फॉलो नहीं करना, कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग फिर आपको फॉलो करें। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड यस, आई डू स्पीक इन 9 डिफरेंट एक्सेंट्स। नाउ लेट्स प्लीज हैव सम क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है मैं काफी टाइम से बोले जा रही हूँ। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, सो लेट्स गो। क्वेश्चन से पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए जानवी के लिए। थैंक यू जानवी, बहुत अच्छा आपने सेशन किया है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो कुछ सवाल हम ले लेते हैं। वॉलंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, माइक प्लीज पास कर दीजिए सर को, एक एक करके जाएंगे। हाय,
Okay, who spoke? I'm sorry. Okay, on your right hand side. Yeah. Janvi, my question to you is that how did you build that curiosity? Do you think that did you inherit it? और हाउ डिड यू बिल्ड इट आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट क्यूरियोसिटी इज समथिंग कि जब आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं ना कि मैंने बीबीसी न्यूज देखनी शुरू करी फिर उसके बाद जो है मैंने अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया तो वहां से आपकी क्यूरियोसिटी अपने आप बिल्ड होती जाती है कि अच्छा ये ऐसा क्यों करते हैं व्हाई डू दे डू दैट तो क्यूरियोसिटी कभी भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट जो है वो नेचुरली नहीं आता मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज में इंटरेस्ट जो है बनाना पड़ता है आप किसी भी चीज पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे उस चीज से अपने आपको जितना आप सराउंड करेंगे ना उतनी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी अगर आप अलग अलग फील्ड ट्राई करते रहेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी सो जस्ट स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन वन टॉपिक और उसी टॉपिक पे आपकी क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी दैट इज व्हाट यू हैव टू ओके यू आर ओवर देयर सॉरी हाय ऑफ कोर्स सबसे सॉरी मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि हम लोग खुद सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पा रहे Correct. और सबसे मेन समस्या ये आ रही है कि होता क्या है कि जैसे किसी ने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया पॉजिटिव बोल तो बड़ा अच्छा लगता है किसी ने अगर नेगेटिव बोल दिया हमें तो उस समय क्या होता है बहुत डीमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं yes. अच्छा मैं बस छोटा सा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ जब आप फर्स्ट सेमिनार करने गए थे अभी आपने बताया और उस समय IAS ऑफिसर थे आपके सामने और उस समय आप घबराए नहीं आप डायरेक्ट वहां पर खड़े होकर के आपने सेल्फ अपना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया कुछ ऐसी टिप्स कि हम भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए क्योंकि उस समय हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवाइज हो जाएंगे मैं आपको बताती हूँ मेरा पहला सेमिनार नहीं था मेरा पहला सेमिनार था जब मैं 10 साल की थी मैं उस टाइम नई नई वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनी थी मेरा पहला सेमिनार था तो सामने कॉलेज वाले बच्चे बैठे हुए थे मैं शुरू में बोली ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट मैंने बोला तो एक लड़की खड़ी हुई उस लड़की ने मेरे से दो तीन एकेडमिक क्वेश्चंस करे अब वो लड़की मास्टर्स कर रही थी एंड शी वाज डूइंग समथिंग तो एंड आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तो ऑफ कोर्स मुझे उसका एकेडमिक नॉलेज नहीं था तो वहाँ पे मुझे बड़ा डीमोटिवेशन फील हुआ कि लड़की ने क्वेश्चन पूछा मुझे पता नहीं था देन शी वाज मोकिंग मी शी वाज रिडिक्यूलिंग मी तो मुझे वहाँ पे ये एक्सपीरियंस मिल चुका था कि अगर यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस शो नहीं किया सो यू नो शी इज गोना रिडिक्यूल मी मोर तो शी इज गोना डू मोर तो मुझे हमेशा एक ऐसी चीज लगती है कि जितना हमें खुशी होती है कि पॉजिटिव कॉमेंट्स लेने में उतनी ही हमें नेगेटिव कॉमेंट्स से सीखना भी चाहिए किसी ने आपको डीमोटिवेट किया तो उसी टॉपिक से उसको अपने घटाने के बजाय कि ये क्या बोल दिया इसने उसके अलावा इसने ऐसा क्यों बोला वट मोर कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ और किसी को भी ये आप किसी को भी अपने रेंज मत दीजिए कि अगर इसने अप्रिशिएट किया तो मैं खुश हो जाऊंगा अगर इसने नेगेटिव बोला तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा तो अपनी माइंड की रेंज किसी और के हाथ में मत दीजिए सो मेक श्योर कि आपको खुद बताओ यू आर अमेजिंग एंड यू हैव योर ओन सेल्फ वर्थ किसी और को मत बताने दीजिए यू आर अमेजिंग नहीं आपको खुद पता है यू आर अमेजिंग किसी और ने बोला कि तेरे में ये चीज की कमी है तो आप उस कमी को सुधारिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट एज समथिंग नेगेटिव सब कुछ हमारे माइंड सेट का खेल है कि आप नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं दैट्स इट और उस समय क्या हुआ कम से कम 5 से 6 सेमिनार में कर चुका था जैसे स्कूल में छोटे कार्यक्रम होते हैं ना तो स्टेज पे मैं कर लेता था अब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ उस समय तो मुझे अच्छा लगता था तालियां बज जाती थी स्कूल के बच्चों की लेकिन जब मैंने खुद अपनी सीढ़ी देखी उस समय सीढ़ियां चलती थी तो मैं बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो गया रीजन होता क्या था कि जैसे मुझे हाथ बोलना तो मैं पाँव बोल रहा होता उस समय मुझे ये नहीं पता होता था कि लोग ताली किस लिए बजा रहे हैं मेरी गलतियों के कारण कि मेरे मतलब वहाँ खड़े होने के कारण तो मैं खुद नर्वस हो गया उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया लेकिन आज मुझे आपको देख करके ये कॉन्फिडेंस जरूर आया कि हो सकता है कभी अगर ऐसा मौका मिला तो मुझे फिर कंटिन्यू करूंगा उस चीज को आप अभी से क्यों नहीं कंटिन्यू करते आप अभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं तालियां तो बजा रहे थे ना लोग दैट्स इट और आप खुद को देख के नर्वस हुए दैट्स जस्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में ये और सुधार करना है तो लोग क्या पता अगर आपको लगता है कि वो हाथ की जगह पांव पे तालियां बजा रहे हैं क्या पता वो सिर्फ हाथ पे ही तालियां बजाएं फिर से दैट्स इट थैंक यू थैंक यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन He's pretty energetic over there. Can you please have his question? Hello? Hello? Either, either, ma'am. Either, either. Either. One by one. मेरा नाम जमीर श्रेष्ठ है मैं नेपाल से आया हूँ जानवी मैम मैं आगे हूँ ठीक आगे आपके आगे सामने सामने इधर इधर ओके
हाय मैम, एक्चुअली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जानने में. थैंक यू. आपका स्टोरी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिला. तो आपको क्या प्रश्न है मेरे मतलब मेरे से कि जैसे कि आप जैसे इंग्लिश एंसर स्पीकर बनने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? अच्छा, यदि मे भी आप जैसा बनना चाहते हैं. जी जरूर. थैंक यू मैम. आप सबसे पहले तो आप मेरे जैसे मत बनिए, आप अपने जैसे बनिए. हर कोई अमेजिंग होता है एवरीवन इज ग्रेट. दूसरी चीज जो आपका रूटीन होना चाहिए मैं वो आपको बता दूं, तो आप सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड्स से शुरू कीजिए. छोटे छोटे वर्ड्स कैसे, जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं बेड, बेड साइड टेबल, चेयर, टेबल. तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ब्रशिंग टीथ, टेकिंग अ शावर, ट्रैवलिंग, तो ये इन छोटे छोटे वर्ड्स को आप अपने दिमाग में घुमाते जाइए. फिर आपका लंच टाइम हो जाता है, तो लंच टाइम पे यू नो हैविंग लंच, टेस्टी लंच, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स तब होते हैं. फिर उसके बाद इवनिंग टाइम, तो बेसिकली जो भी टाइम होता है उसी के हिसाब से ऑल ऑफ दीज लिटिल वर्ड्स, उनसे शुरुआत कीजिए. फिर हम डेली अब यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक के वीडियोस देखते हैं, तो उन सबको इंग्लिश में देखना शुरू कीजिए. शुरू में आपको लगेगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा. सबटाइटल्स के साथ देखिए, इंग्लिश की मूवी देखिए, पूरी 3 घंटे की नहीं, आधे घंटे की. फिर अगले दिन उसी आधे घंटे की मूवी को बिना सबटाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको उनके प्रोनंसिएशन भी समझ में, और साथ ही साथ वो बोल क्या रहे हैं उसका और ग्रास्प हो. फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर आप सेंटेंसेस पे जाइए. अब जो आप जब मूवी देखते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं, अब आप नॉर्मली इंग्लिश पे फोकस करेंगे तो कोई आपको बोलेगा ग्रामर पे फोकस करो, रहा था रहे थे पे फोकस करो, उस पर कभी मत जाइएगा. हमेशा हमेशा आपको इंग्लिश को अपने आप से सराउंड करना है, दैट्स इट. तो अब आप जब लिसनिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो लिसनिंग रीडिंग के बाद उसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे कि आप एक सेंटेंस को कैसे बिल्ड करते हैं. उसमें आपको नई वोकैबुलरी मिलेगी. सबसे पहले तो नए वर्ड को अपने आप गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब ये हो सकता है. तब चीज आती है उस चीज को प्रैक्टिस करने की. आपको समझ में आ गया ये वर्ड है, तो अब उसको जितना बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में उतना बोलिए. फिर सेकेंड वीक में सेंटेंसेस बिल्ड करने शुरू कर दीजिए कि आई एम टेकिंग अ शावर राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग टू वर्क, और फिर आई एम हैविंग माय डिनर राइट नाउ, आई हैड अ वेरी टेस्टी डिनर. सोने से पहले रिवाइज द होल डे दैट आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई हैड अ शावर, देन आई वेंट टू माय ऑफिस, देन आई हैड अ फाइट, देन आई हैड माय लंच, इट वाज वेरी टेस्टी, आई वेंट टू पार्क. तो पूरा दिन रिवाइज कीजिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. उसके बाद फिर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को है ना बेसिकली टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट लिसनिंग टू पॉडकास्ट, किसी की स्पीच सुन लीजिए. बेसिकली सराउंड रखने आपके अपने आप को इंग्लिश से. जितना सराउंड रखेंगे उतने ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का पता लगेगा, उतने ज़्यादा वर्ड्स का पता लगेगा, और फिर आप उसे अपनी डेली लाइफ में बोलना भी शुरू करेंगे. सेंटेंसेस के बाद आप पैराग्राफ्स पे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग या फिर किसी कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में 10 लाइन बोलिए. तो जब मैंने इंग्लिश सीखी थी तो पापा ये करते थे, यू आर सिटिंग इन दिस रूम राइट नाउ, इसके ऊपर 10 लाइन बोलो. तो या फिर आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो स्टार्ट प्रैक्टिस है, यहाँ के ऊपर 10 लाइन बोलिए. यू नो यू आर ट्रैवलिंग, तो रोड के ऊपर बोलना शुरू कर दीजिए. सो इस तरीके से आप बिल्ड करेंगे. सो मैक्सिमम इट्स गोना टेक यू लाइक मैक्सिमम 2 मंथ्स. अपने आप को सराउंड रखना है हर वक्त, ये नहीं सिर्फ 20 मिनट प्रैक्टिस करिए एंड वी आर डन. हर वक्त सराउंड रखना है. सो इन मैक्सिमम 1.5 to 2 मंथ्स मास्टर हो गए. सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, व्हाट आर यू डूइंग. सो जस्ट फोकस दिस डेली रूटीन, वर्ड्स टू सेंटेंसेस टू पैराग्राफ्स एंड योर ग्रेट. थैंक यू वेरी मच जानवी. आई एम सो सॉरी, मैं अभी और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, टाइम कंस्ट्रेंट है. और जानवी अभी यहाँ पर है, तो आप चाहें तो जानवी से थोड़ी देर में बात कर सकते हैं. आई एम सॉरी, आई रिक्वेस्ट प्लीज. आई हैव माय 9 डिफरेंट एक्सेंट्स, मैं वो सारे बोल के दिखा दूँ. बिल्कुल बिल्कुल जानवी, श्योर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिटिश एक्सेंट फर्स्ट. हाय एवरीवन, आई एम जानवी थवा एंड आई जस्ट वांट टू से आई एम सुपर हैप्पी टू बी ओवर हियर. You all look extremely incredible today and you all are so energetic. Thank you so much for having me here and thanks so much to Dr. Vivek Bindra, American. Hey everyone, I'm Tony Pavar. I'd just like to say how incredible you all look today. And what I just want to say is that I'd like to give a huge thanks to Dr. Vivek Bindra for having me over here. RP, RP is received pronunciation. I learned this accent in about like 3 months. And when I learned this in 3 months, people were like, oh, this must be Arabic. No, RP is received pronunciation, kind of a new accent. Posh, when I first started learning Posh accent, I thought like, oh, this must be the Queen's English. And guess what? It was the Queen's English. And when I first started talking in it, I was like, yeah, I'm the Queen Elizabeth.
but even though I wasn't, I was still speaking in a posh accent, and that was pretty cool. Australian, hello everybody, and I just like to say that what a happy surprise this is. You're all sitting over here, you all look extremely amazing, and thank you so much for having me. We're just going to call Amber or something, because you're all amazing. Scottish, hi everyone, I am Janvi Pawar, and I just like to say that thank you so much for having me today, and I'd also like to be thankful to Dr. Vivek Bindra for having me over here again, and you all are an extremely amazing audience, so thanks so much. Norfolk, okay, what I was thinking, like, you all are so amazing, also energetic, thank you so much, and thank you for also talking to me for so long, and French, salut Jean-Pierre, je suis très rencontré de rencontrer ici, merci beaucoup. Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu, ne, arigato gozaimasu, yoroshiku onegai shimasu. Hey Janvi, mana aada aga kana badiya lagya, tum sare aada ho, tum sare aada ho. Sara sara ka dhanyawad. Thank you so much everybody, you are amazing. Thank you so much everybody. Aur main hindi mein aapka dhanyawad karti hu. Thank you. Aur sabko bolungi hindi mein. Zordaar taaliyan Janvi ke liye. और जाने इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी।